हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो T1 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है एम्बिएंट लाइट इफेक्ट सेटिंग को अपना यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये एम्बिएंट लाइट इफेक्ट सेटिंग के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये डायनामिक इफेक्ट का। ठीक है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको डायनामिक इफेक्ट के इस पेज में आपको ऑप्शन मिल जाएगा एम्बिएंट लाइट इफेक्ट, इस ऑप्शन पर आपको टैप करना है। यहां पर आपको जो है ना ये ऑप्शन के इस पेज में आपको ऑप्शन मिलेगा ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, इसके सामने वाले बटन को आपको टैप करना है तो ये बटन आपका ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी सेटिंग इनेबल हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अभी सेटिंग ऑन होने के बाद ये सेटिंग काम कैसे करती है ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे ही आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे ना तो आपको नीचे की साइड ये काफी सारे ऑप्शन हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है, इनमें से आपका जो है ना ये दो ऑप्शन आपको यूज करने, कौन से, इनकमिंग कॉल और आपका नोटिफिकेशन, इन दोनों ऑप्शन को आपको यूज करना है। कैसे करना है ये देखिए, इनकमिंग कॉल के सामने वाले बटन को आपको सेलेक्ट करके इसे ऑन करना है, ये ब्लू कलर में लाइट ऑन हो जाएगी और यहां पर जो है ना ये लाइट इसके इनकमिंग कॉल के नीचे लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल, इस ऑप्शन को आपको टैप करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस तरीके से आपके कुछ स्क्रीन के चारों ओर आपकी लाइट दिखाई देती है। आप ये नीचे की साइड ये बॉक्सेस दे रखे ना, इनमें से देखिए मेरा एक ऑप्शन पर पहले से टिकमार्क है, आप इनमें से जो है ना किसी भी दूसरे ऑप्शन पर टिकमार्क लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसे अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेंज भी हो जाएगी आपकी लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये काम कैसे करती है सेटिंग ये मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपके मोबाइल फ़ोन पे ना कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा ना तो आपके मोबाइल फ़ोन के चारों ओर इस तरीके से एक ये वाली लाइट इस तरीके से शो होगी आपके मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है, इसे अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा जो भी आप लाइट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो। ठीक है, इसके बाद जो है ना आपको बैक पेज पर आना है, बैक पेज पर आना है, ये आपका काम इतना खत्म हो गया। यहाँ पर आपको अब बारी आती है नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन के सामने वाले बटन को आपको टैप करके इसे भी ऑन कर लेना है और इसके भी नोटिफिकेशन के नीचे देखिए ऑप्शन आपको दे रखा है लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन। ठीक है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहां पर भी आपको इसी तरीके से कोई भी एक लाइट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, उसे अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब ये सेटिंग कैसे काम करेगी, जब भी आपके मोबाइल फोन पर कोई भी नोटिफिकेशन रिसीव होगा ना तो आपके मोबाइल फोन पर इस तरीके से चारों ओर एक लाइट ये वाली शो होगी। ठीक है, तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर आएगा तो। ठीक है, यहां पर जो है ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि आप जो है ना नोटिफिकेशन ऐप्स इसको सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे आप ऐप्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो ऐप आप सेलेक्ट करेंगे ना। ठीक है, जो ऐप आप सेलेक्ट करेंगे उस ऐप का अगर नोटिफिकेशन आएगा तो ही आपके मोबाइल फोन के चारों ओर लाइट दिखाई देगी। ठीक है, जिस ऐप का नोटिफिकेशन आएगा तो आप चाहे तो सभी के सभी ऐप्स को आप जो है ना ऑन कर सकते हैं और चाहे तो आप जो है ना गिनती के गिने चुने ऐप की ऐप के ऊपर आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस ऐप को आपने सेलेक्ट किया होगा उस ऐप का नोटिफिकेशन आएगा तो आपके मोबाइल फोन के चारों ओर लाइट दिखाई देगी। ठीक है, और इनकमिंग कॉल के बारे में तो है ही है। ठीक है, जब भी कोई इनकमिंग कॉल आएगा तो आपकी फिर भी लाइट दिखाई देगी। ठीक है, तो ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है एम्बिएंट लाइट इफेक्ट सेटिंग।